बैग हमारा भारी था तो उसे लेने ये जा रहा था, जैसे पीछे इसने देखा दुपक्के बैठा था उधर तेंदुआ। ठीक है, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नाइट कैंपिंग वीडियो में। बाकी पिछली वीडियो में मैंने सोलो कैंपिंग की थी, लेकिन आज ड्यूओ कैंपिंग करेंगे मैं और विक्की भाई, क्योंकि भाई बहुत डेंजरस है करना। और आजकल लेपर्ड हमारी गांव की ओर काफ़ी आ रहा है, कल भी देखा हमने, हर दिन मतलब सुनाई दे रहे, गाँव वाले गजब हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल लेपर्ड का आतंक ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा होगा जंगलों से, क्योंकि हाल ही में जंगलों में काफ़ी आग लगी थी। तो बाकी जिस जगह पे हम आ रखे हैं उतना सेफ भी नहीं है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। और लोकेशन भी काफ़ी देखो मस्त है, सामने व्यू भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है। लेकिन तो चारों ओर चीड़ के पेड़ हैं, घने चीड़ के पेड़। ठीक है, अभी हम जरा जल्दी आ गए हैं, फटाक से टेंट लगाते हैं बढ़िया करके, और आज की कैंपिंग वीडियो दिखाते हैं आप सभी लोगों को, जुड़े रहना। ठीक है, एक बार तो दोस्तों अपना टेंट अच्छे से पिच हो गया है। ठीक है, अपना टेंट पूरा लग गया है। अब एक काम करते हैं, पानी जरा दूर है यहाँ से, पानी भर के लाते हैं मैं और ये, साथ ही चलते हैं, क्योंकि एक को यहाँ रहना एक को वहाँ जाना बहुत बेकार रहेगा। और जंगल में हम दो ही हैं, हम दो के अलावा कोई है भी नहीं, और कुछ हो भी जाएगा फिर दिक्कत आ जाएगी। तो पानी भरने चलते हैं, उसके बाद बाकी कार्यवाही आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहना, आज की कैंपिंग काफ़ी मज़ेदार होगी। तो दोस्तों ये है अपनी पानी की लोकेशन। तो चलो दोस्तों, पानी तो भर के ला चुके हैं, अब लकड़ी ढूंढने की बारी है, लकड़ी ढूंढते हैं। एक लकड़ी हमें रास्ते में मिल गई थी, काफ़ी अच्छी थी, अच्छा सर्वाइव होगा, लेकिन लकड़ियों की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, बड़ा हथियार भी ले जाते हैं साथ में। अब धीरे धीरे करके अंधेरा भी स्टार्ट हो गया है, वो आगे तक चलते हैं। यहाँ ठीठे काफ़ी गिर रखे हैं ऊपर पेड़ों से, तो काफ़ी मदद होगी उनसे आग लगाने में। तो चलो, दिन ढलने से पहले हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो इसके बाद बनाते हैं एक बढ़िया सी कॉफ़ी। मच्छर भी काफी हो रहे हैं यहाँ। दोस्तों एक जगह ना हमें ठीठों का भंडार मिल चुका है, देखो कितनी ठीठे गिर रखे हैं यहाँ, पेड़ गिर रखा है ना पूरा। तो
यहाँ लकड़ियाँ भी मिल गई हमें, बाकी ये ठेठे काफ़ी आग जलाएंगे अभी देखना, ठीक है। बाकी वो नीचे हमने टेंट लगा रखा है यहाँ से, ये इधर तो दोस्तों एक चीज़ तो है, जल्दी आके ना सब चीज़ें हो जाता है। आज हम जल्दी आ गए थे टाइम पर, लकड़ियाँ भी ढूंढ ली और पानी भी भर लिया, अब बढ़िया से कॉफ़ी बनाते हैं मस्त वाली और खूबसूरत इन जंगलों का एंजॉय लेते हैं। भाई साहब सुकून है यार, सच्ची में कह रहा हूँ ना, मजाक से हट के एकदम कान बन के यहाँ अगर थोड़ा देर बैठ जाओगे ना सही में काफ़ी मज़ा आता है सच्ची में। साइलेंट चारों और खाली जंगलों की वॉइस जो कि अगल बगल होते हैं छोटे किट, शांत माइंड। आजकल जंगलों में आते हैं यार बहुत से जने। चलो दोस्तों थोड़ा आज चाय के साथ पापड़ खाने का मन था, कॉफी के साथ सॉरी। उसमें पता तो वो नहीं देख रहा तू, गैप है करके तो बड़े वाले का चांस हो सकता है, ये वाला नहीं फूट जाएगा। सुबह सुबह हो रहा मॉर्निंग में भयंकर वाला। अभी पढ़ चुके हम यहाँ, चलो दोस्तों अभी बढ़िया सी कॉफी बन गई है, ठीक है। कड़क ऐसे रहने काफ़ी डाल दे बढ़िया है, एक मिनट यार पकड़िए तो अपनी बड़ी और किस्मत चढ़ चलना है वह कॉफ़ी गिर गई भाई। मैं बहुत दिन बाकी डाल दी हूँ, चॉपिंग बोर्ड लगाना पड़ेगा अगली बार, अगली बार के भूल गई था अभी। अच्छा हुआ जरा कॉफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। कॉफी का तो लाजवाब है। दोस्तों अब यहाँ भाई अपने आटा गूंदेंगे, ठीक है। तेल लोग नहीं है, तेल क्या रखा मन लगा नहीं लगा कर चला हमारे घरों में बनता है ना सेम वैसे ही हम यहाँ जंगलों में बनाते हैं। टिक टोक जंगल की लकड़ियाँ, जंगल का पानी और ऐसे ही जो फूक मार रहा है भाई ना, इतनी मेहनत तक किया सही में, कैमरे के आगे धुआं ही धुआं आ रहा है मेरे को पता है। अभी तो मैं फूलवा पुट्टी बनाना ना बहुत टफ है यार, लेकिन मजा भी आता है।
हाथ कर हाथ तू पाती क्यों पाप बुझो तू 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 ना हो तू पाती दे तब आज है क्या तुझे चल इट बड़ी मलियों आओ इधर दोस्तों दोस्तों एक सही में कह रहा हूँ मजाक से हटके एक्चुअली हुआ क्या हमने रोटी वोटी बनाई ठीक है अभी टाइम बहुत था हमने कहा सब्जी जो होगी 8 बजे वो बाद में बनाएंगे ठीक है तो बाकी जैसे हम अंदर हमने कहा थोड़ा बहुत फ़ोन वोन चला लेते हैं हमने काम भी जल्दी स्टार्ट कर दिया था तो हमने कहा थोड़ा देर चिल मारते बैठते हैं ऐसे ही 8-9, 9:30 बजे से सब्जी स्टार्ट करेंगे आराम से खाएंगे तो हम ऐसे सोए थे फ़ोन चला रहा था मैं ये भाई गया बैग लेने बाहर ये कह रहा था कि जैसे कुछ लगाता हूँ अपनी तकिया वगैरह टाइप का तो बैग हमारा भारी था तो उसे लेने ये जा रहा था जैसे पीछे इसने देखा दुपक्के बैठा था उधर तेंदुआ ठीक है तेंदुआ देखा इसने एकदम टेंट बंद करी इसने बोला सच्ची भाई ये है ठीक है मैंने यकीन नहीं किया मैंने कहा टॉर्च वॉर्च पकड़ा चले गए ये और मैं लकड़ी लेने चले गए जब हम लकड़ी लेने गए और वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रखा है वो पूरा लैपट ना वीडियो में रिकॉर्ड हो रखा है देख लेना आप तो जैसे ही ये क्या कहते हैं हम इस सेट को गए मैंने कहा एक बार टेंट की उधर को मारते हैं टेंट से जस्ट फर्स्ट वहाँ इनको मेरी नज़र जैसे गई उसके मुंह पर टॉर्च गई उसकी आँख चमकी और उसी टाइम उसने नीचे को टर्न मार दिया अपना और मेरा कैमरा ऑन था उस टाइम और दिख गया थोड़ा बहुत वो सही में हमने अपनी सब्जी भी नहीं बना रखी है यार सच्ची में रोज आ रहा है इस साइड को रोज वो बात सही कह रहे थे जो जिन्होंने हमको बताया था ना लाइट मतला जिन्होंने हमें बताया था ना वो रोज बोल रहे थे कि इस साइड को लैपट आ रहा है आज हम जरा जल्दी आ गए थे इस चक्कर में उसने रूट चेंज नहीं किया होगा लेकिन दुपक्का बैठा था यहाँ पीछे बेटा वो वहाँ से दबला क्रॉस पे व्यवस्थी नहीं दोस्तों वो लैपट ना इधर था ठीक है इधर बैठा था और हम जस्ट इधर थे इधर से हमने देखा उसको और इधर से उसकी आँख चमकी और नीचे वो चले गया वो बाकी बिक्की भाई अपनी आँख जला रहे अभी मेरे को तो काफ़ी डर लगने लगी भाई अब का वो लगा दिया आगे काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है मजाक से हट के वीडियो में ना हल्का क्लिप उसकी आंखें भी चमक रखी है और जैसे ही मैंने हम ऐसे ऐसे देख रहे थे लगा लो यहाँ था और यहाँ से यहाँ आने में उसको सेकेंड नहीं लगे भाई मतलब मान के जल्दी आ गया जल्दी यार भाई 10 सेकेंड नहीं लगे उसको यहाँ से यहाँ था जैसे ही बाहर आया इसने देखा ये मेरे को बोला पहले मजाक सोच रहा था फिर हम बाहर गए हम देखने गए नीचे तक फिर ऊपर को आए वहाँ बैठा था लगा लो स्पीड ने बाबा आपको ना हाँ आपको वीडियो में हल्की हल्की दिख रही हो दिख रहा होगा वो लेकिन कह कुछ नहीं सकते हैं मजाक सच के और डर के मारे हमने आग भी लगा दी लेकिन अरे इसको रख अभी और क्या पता आएगा नहीं आएगा खाना बनाते हैं रोटी तो बन गई थी टाइम पर लेकिन शॉपिंग करना और सब्जी हमने सोचा आराम से बनाएंगे जरा तू काट यार आज मैं तो बोल दिया कैमरा था अंदर से सूट वूट करेंगे जो भी होगा वो कितने अच्छे से चल गई यार भाई गैस में खाना बना रहे ना अरे इतना भी क्या डरना हो रहा है यार गैस में बनाते मतलब गैस एक थोड़ी सी बची है वो कभी इम्पोर्टेंट जैसे कि बारिश पड़ेगी रात को तब काम आएगी ना वो ये क्यों रखा है हमने ये वाला ये रखा है चलो प्याज डालते हैं सब मिक्स करके डाल देते हैं कटिंग बोल लो इसमें क्या हो बेटा
क्या कपड़ा लेपर्ड लेपर्ड दोबारा देख लिया दोबारा, बट अभी हमारे पास कैमरा ऑन नहीं था, वो ना घात लगाए बैठा है चारों ओर से। पास देखो हो रही यार सही में, कैंप की अगर बगल ना आ जाए डिनर तो करना ही पड़ेगा। बढ़िया एकदम मतलब हमने रोटियां टाइम पर बना दी हो। दोस्तों ये है पेट्रोल जो कि हम एक्स्ट्रा रखते हैं गाड़ी पे, तो बाकी यहाँ लगाई जा रही है आग। देखो भाई बहुत डर लग रही है काफ़ी, ये इस बड़े वाले को लाए हैं इसको जलाते हैं, उसको क्यों करेगा यार, रिस्क हो रहा है टेंट से अगल बगल जाना, रिस्क हो रहा है यार। मैं कह रहा हूँ इतना आग अपने लिए भी इतना स्कूटी बगल में रह सही चिमटा, अरे नहीं यार इतना आग कुछ नहीं होता, इतनी लगानी है आग। दोस्तों वो देखो हमने आग काफ़ी बेहतरीन लगा रखी है, काफ़ी डर भी लग गया था सही में। ये देखो बाग है, बाग का बाप भी नहीं आएगा, कितना डर भी नहीं लग रहा बोले, कितना मस्त जल रहा ना, तो ये रात भर जलने में रहे दो बड़े से भाई, काफ़ी डर लगी थी यार। तो दोस्तों बाकी ना बाहर से हमें कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होना चाहिए, मतलब ना वो तेंदुआ ना दो बार एग्जिट लोकेशन पे आ गया है, दो वहाँ एक यहाँ, अभी हमने जैसे टॉर्च मारा ना वहीं खड़ा था वो, और जैसे टॉर्च मार के देखा वो नीचे वो निकल गया था, अभी भी आ सकता है वो, लेकिन हमने आग वाग जला दी है। बाकी मेरा तो बाहर से शूट करने का मन नहीं है भाई, मैंने कहा एक भी हो सकते दो भी हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, टेंट के अंदर चले जाते हैं। भाई साहब आज काफ़ी डर लग रही है, हड़बड़ी में ज़्यादा शूट वूट भी नहीं लिया, सच्ची में टेंट के अंदर आ गए, अब रात भर नींद आएगी नहीं आएगी मेरे को भरोसा नहीं। अभी हमने अपने हथियार भी अंदर ही रख दिए हैं सेफ्टी के तौर पे, ठीक है अभी वैसे तो कुछ होगा नहीं, चैन सही से लगा दी अपना, चल ठीक है फिर दोस्तों, कुछ भी एक्टिविटी होगी ना आप सभी को जरूर बताएंगे, ठीक है चलो गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। कोहरा भी पड़ने लग गया, बोले तो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, कैसे हो आप सब लोग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है खूबसूरत सी मॉर्निंग में। देखो ऐसे ही कल रात को भी साउंड सुनाई दे रही थी, बाकी कोहरा लगा है, ऐसे दिन आ चुके हैं ना अब सुबह सुबह कोहरा ही लगेगा और ओस गिरेगी खतरनाक वाली। तो बाकी कल की रात यार नहीं कह सकते हम, वीडियो में रिकॉर्ड हो रखा है अच्छे से देखना, वो सामने क्या कह सकते हैं आप हम यकीन नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी यहाँ से यहाँ आ गया लेपर्ड भाई साहब। और वीडियोस में जैसे हम पुरानी वीडियोस होती है ना हमारी जो लेपर्ड वाली, उसमें ना खाली साउंड सुनने को मिलता है, ठीक है जिस दिन वो पास क्लोज होता है या चलता है अगल बगल से गुजरता है तो ऐसे साउंड रिकॉर्ड हो जाती है, और जब हमें महसूस होता है, आज कल तो भाई रिकॉर्ड ही हो गया वो खतरनाक तरीके से, और रिकॉर्ड भी ऐसा हुआ ना वो देखते देखते मतलब हम नीचे गए थे ऊपर को चेक, जैसे ही ऊपर को देखा हल्का सा उसमें रिकॉर्ड हो गया, वो तो अच्छा हुआ मैंने कैमरा ऑन कर रखा था, वो उसकी आंखें चमकी हल्की सी बॉडी दिखी हमें और नीचे को चले गया, उसके बाद हमारी जो फटी ना फिर उसके बाद हम क्या कहते हमने खाना वाना बनाया खाया, फिर उसके बाद वो झाड़ी के पीछे दो आंख चमक रही थी, जैसे मैंने कैमरा ऑन करने मैंने पहले सोचा कि यार चलो दिखा देते हैं एक बार
चोट से मारते हैं, जैसे कैमरा ऑन करने की स्विच नीचे को निकल गया हो। उसके बाद हमको लगी डर, हमने कहा यार दो दो तीन तीन बार आ गया, तो हमने लगाए ये दो बड़े बड़े है ना, ये तो पहले से इधर गिरा था, ये लाए हम वो उधर से, कैसे डर मर के। फिर इसको रात भर जलाए रखा हमने, चलो फिर दोस्तों निकलते हैं घर को। यार हमारी जो चाय बनने वाली थी ना, उसमें दूध जो था फट गया है, पता नहीं कैसे फटा, समझ में नहीं आया, पूरी चाय बेकार होगी। इससे अच्छा हम निकलते हैं घर को। यार आज पोपट ही पोपट हो रहा हमारा।